मैं गौरी त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ अभी मौजूद हैं चुनूलाल कनौजिया जी, पुष्पा पटेल जी। आपको बता दें कि हरदोई के रहने वाले हैं ये दोनों, यहाँ काकोरी के नरहुना गांव में रहते हैं। 2018 से इन्होंने एक मुहिम शुरू की, छुट्टा आवारा पशुओं और जानवरों की सेवा की, नौकरी भी छोड़ दी। बायोलॉजी के अध्यापक हैं और बड़े ही उस्ताद अध्यापक रहे हैं, नौकरी छोड़ दी इन पशुओं की सेवा के लिए। इनका कहना है कि जब तक आत्मसंतुष्टि नहीं, जीने का कोई फायदा नहीं। आत्मसंतुष्टि है तो ही जीने का फायदा है, और पशुओं की सेवा में इन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो इनका पूरा रूटीन क्या है और कैसे ये यहाँ से पुकारते हैं, तो 500 मीटर की दूरी से ये जानवर खींचे चले आते हैं। कम संसाधनों में कोई व्यक्ति कैसे सामाजिक सेवा और देश की सेवा में अपना योगदान दे सकता है, ये हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और सीखना भी चाहिए। तो पूरा रूटीन क्या है, कैसे ये शुरू हुआ और कैसे ये आज कहाँ तक, यहाँ तक पहुँचा है, जानते ही नहीं से। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम सीएल कनौजिया है, हरदोई जनपद का निवासी हूँ, यहाँ पर 1986 से रह रहा हूँ। जी, ये बताइए, ये आपके पास इतने सारे जानवर हैं जी, तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ था? ऑलरेडी मैं किसान परिवार से हूँ, जानवर तो मेरे घर में शुरू से रहे, आज भी हैं, तो इनका लगाव तो शुरू से ही रहा। लेकिन यहाँ 2018 से मैं यहीं रह रहा हूँ, तब से ये संपर्क में आ गए सब धीरे धीरे करके, और बराबर बने हुए हैं। हाँ, इनका मतलब देख रेख करने से बड़ा आत्मसंतुष्टि मिलती है, ये हमारे संस्थान के सहचर हैं ये। अच्छा, वो 18 अप्रैल 2022 से हमने सेवा मुक्त हो गए। अच्छा, सरकारी अध्यापक? ना ना, शुद्ध प्राइवेट ही रहे। अच्छा, मतलब बिना पेंशन पाए हम रिटायर हैं। अच्छा, तो अभी अगर ये हम पूछे कि आमदनी के स्रोत क्या है, कैसे जी पशुओं की सेवा हो रही है, तो वो जवाब क्या आपका होगा? जवाब उसका यही है, ऊपर वाला पूरा करता है और हमारा मोहल्ला भी सहयोग करता है, इस प्रकार पूरा होता रहता है। कैसे रूटीन बताइए सुबह से शाम तक का इन पशुओं का? सुबह ये इतना आपसे घुल मिल गए हैं? सुबह ये 5 बजे आ जाते हैं बिना बुलाए हुए, पूरे दिन घूमते हैं और शाम को फिर 5 बजे आ जाते हैं। इनको दोनों बार चारा पानी मिलता है, और जाड़ों में तो इनकी इतनी बढ़िया व्यवस्था रहती है, इनको कम्बल उड़ाते हैं, आगे भी तपवाते हैं। अच्छा, बरसात में हमारे पास व्यवस्था इनके पास नहीं है। ये लगभग कब से करते आ रहे हैं? अरे ये करीब 2018 से करते आ रहे हैं। ये भावना कब से आई कि इन पशुओं की सेवा करें? अरे देखा कि उधर डंडा खा रहे हैं, उधर मारे जा रहे हैं, उधर भगाए जा रहे हैं, तो हमने कहा कुछ करना चाहिए इनके लिए। तो इसमें आप अकेले हैं? नहीं, बताए ना, हमारा पूरा यहाँ का मोहल्ला ही सपोर्ट करता है, और घर परिवार तो सपोर्ट करते ही करता है। कुछ आउटसाइडर भी लोग हैं जो टाइम टाइम पर, वो भी कुछ एड देते रहते हैं, कहीं चारा दे दिया, कम्बल दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, तो बाहर से भी सपोर्ट मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन शासन से कुछ नहीं मिलता। कहा है आपने कभी कुछ? अरे योगी जी को ही लेटर, उसकी रिसीविंग है हमारे पास। अच्छा, उनको लेटर भेजा? हाँ, मतलब उसका पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, वहाँ कोई रिस्पांस आया ही नहीं है। अच्छा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्यों नहीं, मतलब ये जितना चारा पानी नहीं देते हैं, वो इतना भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं चारों तरफ सब घेरे हुए हैं सभी। ये इनके नाम भी आपने रखे? हाँ, बताइए हमें। आप पे दो पीछे गौरी हैं, ये नंदनी हैं, ये नंदू हैं, ये छोटी हैं, ये मौसी हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, मतलब ये पूरा जानवर जो है इन दो बहनों का था, एक्सपायर हो गई, जिसकी अस्थियाँ भी हम हरिद्वार ले गए थे। अच्छा, हाँ, दोनों बहनों का ही परिवार था ये पूरा, ये हरदम हमारे यहाँ रहे, आज भी हैं, लेकिन शहर में हम लोग किराए पर रहते हैं, कहाँ रखते हैं इनको, यहाँ पर ऐसा एरिया मिला बढ़िया, तो चल रहे रह रहे सभी। अच्छा, आप किराए पर रहकर भी? हाँ, इतनी प्रबल? हाँ, चल रहा है, संख्या में तो 9 हैं, और वैसे 24 घंटे में अगर आप कैमरा लगाएं तो हजारों की संख्या में आ जाते हैं सुबह शाम तक। अच्छा, हाँ, हजारों की संख्या में आ जाते हैं। अरे पानी पीने वाले जैसे निकल, ये पालतू वाले दिन भर जो छोड़ देते हैं, रात में बांध लिए जाते हैं, ये सवेरे फिर छोड़ दिए।
अच्छा जी हाँ। देखो ऐसा है जी। आत्मा सर्वभूतेश, आत्मा सभी में है, तो इनमें भी है। जब इनसे लगाव होता है तो ये भी भले न बोल पाते हो लेकिन उस चीज़ को पहचानते हैं। कुत्ते देख रहे हैं आप, आंधी हो या तूफान हो, घर से निकलते हैं पूछते नहीं कहाँ चलोगे, कब लौटोगे, लेकिन लौटते नहीं तब तक ये घर के मेंबर से किसी कहने नहीं दरवाज़ा बंद कर लो, अगर कहेंगे अभी आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहते अभी आ रहे हैं, ये कहते हम चल रहे हैं और चले जाते हैं। अच्छा तो नहीं आप यहाँ पुकारते हैं इस पेड़ के नीचे, ये पेड़ है, ये अपना नाम पहचानते हैं। अच्छा हाँ, कुत्ते तो आप पुकारते तो ये दौड़ते हुए आते? हाँ आराम से। अच्छा तो नामकरण भी आपने ये अस्थि के बारे में कुछ बताया हमें, उसके बारे में बताइए, ये कौन सी गाय के बारे में बताया? वो छोटी वाली जो है उसकी माँ थी, अभी इलेक्शन वाले दिन वो एक्सपायर हो गई। अच्छा। तो उसकी हड्डी अस्थियाँ भी हम हरिद्वार गए थे तो वहीं ले गए थे। जो गौशाला बनाए जा रहे हैं फलाना बनाया जा रहा है कोई जरूरत ही नहीं है, तो हमारे आपके ये अगर बांध लिया जाए तो समस्या हल हो जाए, इनका गला हो जाए, इधर मार खा रहे हैं उधर मार खा रहे हैं, कहीं जाड़ा गर्मी बरसात मारे मारे घूम रहे हैं, शहर में कहाँ व्यवस्था है यहाँ पर। इसमें कौन कौन शामिल है आपके पूरा परिवार शामिल है? अरे पूरा परिवार तो हमारा शामिल, हमारा पूरा मोहल्ला शामिल है, कुछ आउटसाइडर लोग भी हैं। बच्चन लिए नहीं हम किनो, जब तो इनका गई न करिए थी तब तो बच्चन के का ऐसे गए स्कूल इनके खुद रूम लगे गए एंजॉय कही। अच्छा यो काम करिए थी इनके लिए पीसती भी है, चक्की तेरे पीसी थी हाथ वाली चक्की अंदर रहे इनका दाना, इनको दाना हाथ तेरे पीसे दे इनके या फिर खाई गई दिन हो जाए। सुबह से शाम तक का क्या रूटीन है इनका? इनको रूटीन है सुबह उठो तो गोबर पाथो, गोबर पाथ के यहाँ उठो तो पहली बात गैया लगता ही नहीं है कि जब से गैया खत्म हुआ खत्म में गैया रहे, वही बाद में है चारा पानी, दोपहर में उठो वह 10 बजे गए फिर बाल्टी भर जाओ नल पर, अंदर नल है वही पानी भर नादम डारा हुआ है पानी भरी भरी, दोपहर में ही फिर वो पानी भरो, बड़ी बड़ी गैया होती पानी पी जाती से करो, इनका पीवेंगे नहीं फिर दोबारा पानी तिबारा भरो, दिन भर यह कई हो इनके।